शासन द्वारा लगातार देपालपुर नगर में अतिक्रमण मुहिम चलाई गई, जिसमें प्रशासन ने सरकारी स्कूल कन्या छात्रावास सहित ग्रिड दफ्तर के बाहर इंदौर रोड पर लोगों द्वारा रखी गई घुमटी को प्रशासन ने हटा दिया और तोड़फोड़ के साथ अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई। अधिकतर जगह पर दबंगों ने घुमटी रख कर किराए पर दे रखी थी, जिन्हें हटाया गया। प्रशासन ने सबसे बड़ा काम दरी कारखाने के पीछे सरकारी जमीन पर दबंगों से रजिस्ट्री कराकर जगह बेच दी। वहीं जनपद चुनावी समय के दौरान रात दिन काम कर मकान खड़ा कर दिया, उसे भी जमी दौज किया। इस दौरान गौतमपुरा रोड पर बस्ती में प्रशासन ने बिना नोटिस दिए कई मकान तोड़ दिए, जिससे रहवासी आक्रोशित हो गए और जेसीबी व प्रशासन पर पथराव कर दिया। वहीं महिलाओं ने जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया। प्रशासन की टीम एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार, सीएमओ व पुलिस प्रशासन की टीम के साथ नगर परिषद का अमला 3 जेसीबी लेकर पहुंचा। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पुलिस पहुंचा है और मारकूट कर रही बच्चे उनके। और देखो भाई को सफेद कपड़ा बंधा हो। कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? नुकसान तो घर ने कर तोड़ दिया। कहाँ आपको नाम? रेखा भाई। देखो आग लगा दी, वहीं पे नोटिस आया ना हमको, कोई सूचना मिली, ये डायरेक्ट आके इनने हमारा ढाबा तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, हमारा घर तोड़ दिया। आज हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया इसमें, और ये कॉलोनी वाले से पैसे लेके इनने सारा कुछ काम करा है। अगर ये अगर चाहते हैं तो हमको नोटिस देते, नोटिस दे के ये बोलते भी आपका ढाबा हटाओ, आपकी जगह हटाओ, तो हम हटाने के लिए तैयार थे। अब इनने हमको आके भी घर कर दिया, अब हम कहाँ जाएं बताओ आप। चलो से प्रशासन के माध्यम से हम हटाने की कार्रवाई की जाए, यहाँ तक पहुँचे। यहाँ कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, शाम भी हो गई है, जल्दी उसमें और अधिक कार्रवाई की जाए। सर यहाँ कुछ लोग अतिक्रामक हैं, नगर परिषद के माध्यम से उनको सूचना दी गई थी, अगली कार्रवाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।